Assalamualaikum viewers, Legend League World Group present ICC World Cup Junoon के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान और आज का जुनूनी टाकरा होने जा रहा है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज यानी काली आंधी का मुकाबला है इंडिया के साथ। कामयाबी की हुआ करती है नाकामी दलील, रन जाते हैं तुझे फरहत दिलाने के लिए, तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज ऊंचा कौन उड़ रहा है, देखना यह है कि आज इंडिया अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो कि उनकी कॉम की उनसे है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है इंडिया, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकता है या नहीं। और देखना यह है कि वेस्ट इंडीज जो है क्रिस गेल अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्या क्रिस गेल वो परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि उनसे एक्सपेक्टेशन उनकी कॉम कर रही है। और क्रिस गेल फौरन और इस तरह से ब्रेवो और जो है ब्रेथविट वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज और इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, नेल बाइटिंग मैच है। इस मैच के बारे में हम बात करेंगे। इस मैच के बारे में बात करने के लिए हमने अपने पैनल में जिन शख्सियात को आज मधु किया है, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ तशरीफ फरमा है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एनालिस्ट जनाब सरफराज साहब, साथ में एक बड़े यंग एनालिस्ट जनाब वासिक साहब, उनके साथ हमारे सीजन जो है कमेंटेटर और एनालिस्ट जनाब जावेद साहब, और साथ में हमारे शो की जान हमेशा हमेशा हमारे शो का हिस्सा है जनाब पीएसएल खान साहब। आप तमाम मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। सरफराज साहब, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है, पाकिस्तान का नाम कप्तान का नाम भी सरफराज और आपका मैं नाम भी सरफराज है, और सरफराज जो है वो बुलंदी का नाम है। सरफराज के हवाले से मैं पूछना ये चाहूंगा सरफराज साहब के, आज के मैच में वेस्ट इंडीज और इंडिया के इस मैच में क्या ये वन साइडेड मैच नजर आ रहा है आपको, इंडिया का जीत, या आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज कम बैक कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कम बैक कर सकता है। लास्ट मैच जो खेला भरत वाइट की, वो इनिंग लोगों के भी जहनों में बसी भी होगी। 7 गेंदें रह गई थी जब वो आउट हुए थे आखिरी गेंद पे, तो एक ओवर बाकी था, 5 रन ही बाकी थे, अनलकी कह सकते हैं। क्रिस गेल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो 6 रन हो रहे थे। बार बार आप बात करते हैं, जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और हम पाकिस्तान की फील्डिंग पे बार बार आते हैं कि अच्छी नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड नंबर 1। बात कर रहे थे आप क्रिस गेल की, 295 मैच हो चुके हैं उनके, 10,000 से ज़्यादा रन हैं, 166 विकेट भी ले चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि लास्ट ये वर्ल्ड कप है उनका, बहुत डिपेंड करता है। बड़ा खुल के बैटिंग करते हैं, दुनिया बहुत पसंद करती है, लेकिन बाकी टीम पे भी अगर उनकी नज़र डाल लें आप, जो यंगस्टर खेल रहे हैं, हेटमेयर खेल रहे हैं, लास्ट मैच में 54 दिए थे, पौरान खेल रहे हैं, लुइस खेल रहे हैं, शाय होप स्पेशली राइट हैंडेड बैट्समैन है और वो रुक के खेलते हैं, और फिर आंद्रे रसल नीचे आ जाएँ, भरत वाइट नीचे आ जाएँ, कप्तान जैसे होल्डर 100 के करीब उनके भी मैच हो चुके हैं, 1,000 से ज़्यादा रन कर चुके हैं, 100 विकेटें भी ले चुके हैं, तो टीम तो बड़ी बैलेंस है उनकी, हार और जीत अपनी जगह है। इंडिया की टीम की आप बात करें तो विराट कोहली से लेके और नीचे तक जहाँ भी आए, एक बात हम नहीं कर अब कर ही लें, जब इंडिया का मैच हो रहा है, हैट्रिक की है मोहम्मद शामी ने, और मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप की 10वीं हैट्रिक हो गई है, इसमें पाकिस्तान के शायद सकलैन मुश्ताक भी हैं, और इस बात को अगर और आगे बढ़ाएं, विराट कोहली के साथ बार बार रोहित शर्मा का जिक्र करते ही रहते हैं हम, 2 सेंचुरियां अब भी कर चुके हैं, पूरी टीम शंकर उनके ऐसे बैट्समैन और बॉलर हैं कि बॉलिंग कम करते हैं वो, लेकिन 2 पाकिस्तान के आउट किए थे। और आगे आ जाएं आप, जादेव बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, ऑब्सिन बैटिंग के साथ 50 भी की उन्होंने, 50 भी की जी, और ऐसे वक्त पे की जब टीम फंसी हुई थी उनकी, तो नीचे बॉलिंग पे आए, भुवनेश्वर मेरा ख्याल इंजरी पे चले गए, शामी खेल रहे, तो पूरी बॉलिंग देख लें उनके, दोनों बॉलर जो है राइट आर्म लेग स्पिनर चाहल और लेफ्ट आर्म चाइना मैन जो बॉलर हैं ये दोनों, ये इनके पास है वेपन्स, जो मिसाइल्स हैं इनके दोनों, फास्ट बॉलिंग अच्छी है, बुमराह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यॉर्कर्स कर रहे हैं, बैटिंग तो नीचे से ऊपर तक नजर आ ले, 6 नंबर तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग है, एज तो आप देंगे इंडिया को, अब तक हारी नहीं है, बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता है कि जब भी क्लिक की वेस्ट इंडीज ने वो मैच जीत सकता है। बहुत अच्छा, अमित भाई थोड़ा ये जमको भी चाहिए जी। अभी सरफराज भाई ने हमारे फेवर का 2 बातें किया है जी, बताइए। पहला बात इन्होंने ये किया कि वो क्रिस गेल ने सरफराज भाई टोटल कितना रन बनाया था, 10,000 अभी 10,000 से ज्यादा रन, देखो अब ये खाली क्रिस गेल ने 10,000 रन बनाया है,
और हम बोलता है कि पाकिस्तान का पूरा टीम जो 3000 रन का टारगेट देता है, एक, एक मैच के लिए देता है, उन्होंने 300 मैचेस खेले हैं जनाब, 300 मैचेस में 295 मैचेस में 10000 रन किया, आप एक मैच में कहते 3000 रन, ये तीन मैचों में 10000 रन बनाया तो सही ना, क्रिस गेल ने 10000 रन। अच्छा आपके ज़हन में बात है वाला बात। अच्छा दूसरा बात हमारा ये रहा कि अभी सरफराज भाई ने एक बात और बोला कि चाइना मैन, क्या बोला आपने, चाइना मैन तो हम जब चाइना का बात करता है आप इतराज करता है, अभी सरफराज भाई ने भी तो चाइना का बात किया है। नहीं वो और किसी हवाले से बात की, आपसे बात करते हैं अभी अभी बात ये कर रहे थे हम लोग टीम के हवाले से, टीम फॉर्मेशन की और तमाम डिपार्टमेंट्स पे हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग पे। अभी बैटिंग की अगर बात करते हैं तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप कार्ड्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी बहुत किधर जहादेव भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसके शंकर की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, अभी धोनी से भी आपके फेवरेट धोनी से भी बड़ी तवक्कात हैं कि वो भी एक लंबी इनिंग खेल सकते हैं। क्या समझते हैं अगर बैटिंग का कंपेरिजन किया जाए तो इंडिया की बैटिंग बेहतर नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल, नो डाउट इंडिया की एक टॉप बैट्समैन है, बैटिंग लाइनअप है, दो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 से ऊपर रन किए हैं, 50 से ऊपर की एवरेज से, एम एस धोनी और विराट कोहली। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हुआ है इंडिया को कि उनके शिखर धवन चले गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, और केएल राहुल इनकी जगह ओपनिंग के लिए आए हैं, तो पिछले मैच में हमें लगा था कि कहीं जो है बैटिंग जो है वो शिखर धवन के जाने से जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो इसका बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएंगे वेस्टइंडीज़ के बॉलर, और वेस्टइंडीज़ के बॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉर्टनेल हो गया और शायद थॉमस बिल्कुल हो गया, ये बिल्कुल शॉर्ट बॉल करा करके काफ़ी तंग करेंगे, क्योंकि मैच जहाँ पर हो रहा है वो थोड़ी सी बाउंसी पिच भी है, तो यहाँ पे अगर बिल्कुल धोनी का और कोहली का यहाँ पे रोल होगा काफ़ी, ये वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लें, धोनी थोड़ा ऊपर आए ना कि हार्दिक पांड्या को भेजें, बिल्कुल यहाँ पे अगर ऊपर तले अगर विकटें गिर जाती हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए इतना आसान, मतलब इतना आसान हरीफ नहीं होगा वेस्टइंडीज़, और जिस तरीके से वेस्टइंडीज़ की फॉर्म दिन ब दिन वो बेहतर करते जा रहे हैं, ऑल्दो सेमीफाइनल के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं वेस्टइंडीज के, लेकिन अगर ये मैच हरा देते हैं सेमीफाइनल के दौर से तो बाहर हो गया है, बिल्कुल हाँ वही सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गया, लेकिन दलेरी से खेलते हैं वेस्टइंडीज के, और इतने आराम से जाने नहीं देंगे इंडिया के खिलाड़ी को। जनाब जिस तरह से वासिक ने कहा कि इतने आराम से जाने नहीं देंगे, क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज जो है इसका कमबैक आपको नजर आ रहा है, कम से कम इंडिया के खिलाफ एक क्रिस गेल कोई ऐसी इनिंग तो खेल दें जो याद रखी जाए, जावेद भाई क्या समझते हैं, क्रिस गेल पौरन इनसे एक अच्छी इनिंग की तवक्का है? नहीं मेरे ख्याल में इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल पाएंगे दोनों बैट्समैन, क्योंकि उसकी बेसिक वजह यह है कि जिस तरह से इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने जो अपने पिछले मैच के अंदर परफॉर्म किया अफगानिस्तान के खिलाफ, जबकि लो स्कोरिंग मैच हो गया था, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से इनकी बॉलिंग काम आई और उन्होंने अफगानिस्तान को वो रन नहीं करने दिए, तो मुझे ये लगता है कि बॉलिंग अटैक जो है इंडिया का, जिस तरह से बैटिंग में उन्होंने अपने नाम पैदा कर लिया, अब वो बॉलिंग में भी अपना नाम पैदा करने जा रहे हैं, तो मुश्किल रहेगी वेस्ट इंडीज़ के लिए इस मैच को जीतना। खान साहब आप अपना नाम पैदा करना चाहते हैं इस शो की वजह से, आपका नाम तो पैदा हो चुका है, लोग आपको पीएसएल खान नाम के नाम से जानने लग पड़े हैं। सर माशाल्लाह से ईमानदारी के साथ ये क्रेडिट आमिर खान साहब को जाता है, बड़ी मेहरबानी का आपने, खान जो कुछ है वो आमिर खान की वजह से, नहीं नहीं आप अल्लाह ताला की वजह से, अल्लाह ताला आपको और भी मुकाम दे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ही खान साहब ये है, मुझे पूछना आपसे कि इस मैच को वेस्ट इंडीज की काली आंधी के हवाले से, आप हर टीम को कोई ना कोई अच्छी एडवाइस करते हैं, इस मैच के लिए आपकी एडवाइस, आप मेवा जात पे ना जाइएगा ना खाने की चीजों में, वैसे आप जाएंगे तो वहीं पे, क्या एडवाइस करेंगे आप? अच्छा एडवाइस करने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेगा, अगर वेस्ट इंडीज जीतता है तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कोई फायदा है? को फायदा है 100%, और अगर इंडिया जीतेगा तो पाकिस्तान को फायदा नहीं है, नहीं है तो फिर वेस्ट इंडीज जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेगा नहीं, मैंने आपसे ये पूछा ये कि आपके क्या एडवाइस है, आप वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए, वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए जो है वो पहला एडवाइस ये है कि इंडियन मूवी ना देखे वो, बिल्कुल ठीक है, इंडियन मूवी से मैच नहीं जीत सकते वो आप? नहीं जीतेगा, क्योंकि वो अगर उन्होंने आमिर खान का वो मूवी देख लिया, क्या नाम है उसका वासिक भाई, नहीं अभी जो आया था वो पीके नहीं देखना है वो देख लिया तो फिर जरा मसला हो जाएगा उनके, पीके तो देख ले, लेकिन वो पीके ना देख ले जी। सरफराज साहब बात कर रहे थे हम दोनों साइड्स की, और आप हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं बैटिंग का बॉलिंग का, अब मैं बात की थी उनकी बॉलिंग के हवाले से, अब बैटिंग के हवाले से बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग और की बात के साथ साथ बैटिंग जो है किसकी आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रही है? नहीं बैटिंग देखिए ऑन पेपर मैं अभी भी एक बात बता दूं कि T20 के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं वेस्ट इंडियन, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट हो रही है, आपने भी क्रिस गेल की बात की, क्रिस गेल टाइम लेके अपना खेलते हैं,
पिच पे मुनासिर है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के टॉस जीत के अगर इनको बैटिंग के लिए मॉइस्चर हुई तो शायद वेस्ट इंडीज को प्रॉब्लम हो, और अगर पिच परफेक्ट हुई तो ये बहुत मुश्किल कर देंगे इंडियन बॉलर्स को. नीचे मैंने तीन यंगस्टर के आपसी नाम लिए, लुइस पौरान हेटमेयर ये हैं, और शायद वो बहुत रुक के खेलते हैं विकेट के ऊपर, तो मुश्किलात तो खड़ी करेंगे ये इंडिया के लिए. बॉलिंग में उनके स्पिनर तंग करें तो करें, फास्ट बॉलर से ऐसे आउट होने वाले प्लेयर. एक मुश्किलात हमारे लिए भी ये है क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. सो टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. लेजर लीग वर्ल्ड ग्रुप प्रेजेंट आईसीसी वर्ल्ड कप जुनून, और आज का जुनून सर चढ़ के बोल रहा है क्योंकि आज का जुनून है वेस्ट इंडीज यानी काली आंधी वर्सेस इंडिया. इंडिया की साइड बहुत स्ट्रॉन्ग और हॉट फेवरेट है इस वर्ल्ड कप के लिए. डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बड़े ब्राइट नजर आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. लेकिन आज वेस्ट इंडीज क्या टफ टाइम दे सकता है या नहीं, वासिक आपसे पूछेंगे. आज अगर हम बॉलिंग की बात करें वेस्ट इंडीज की और इंडिया की, तो कौन सी बॉलिंग साइड आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? देखिए, मुझे यहाँ पे भविष्णर कुमार क्योंकि चले गए हैं, मतलब वो सॉरी चले नहीं गए, उनको इंजरी हुई हुई है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एज लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. अगरचे वो किमार रोच की जगह वापसी एंड्रे रसल को ले लें, किमार रोच खातिर खा शेरन गब्रेल भी नहीं खेल रहे मैच. बिल्कुल, शेरन गब्रेल भी नहीं खेल रहे. नहीं, यहाँ पे जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है, होल्डर हो गए, बिल्कुल ये लोग हो गए, ये अच्छा कर रहे हैं. नहीं, रसल पिछला मैच नहीं खेले थे, किमार रोच खेले थे, किमार रोच खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे. तो मेरा ख्याल है कि इनको दोबारा से जो पहले मैच में अटैक था इनका बॉलिंग अटैक, उसी से ही जाना चाहिए. यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भविष्णर कुमार की वजह से तो थोड़ा सा बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा वीक हो गया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों को ये चाहल और कुलदीप यादव बिल्कुल तंग करेंगे, क्योंकि चाहल और वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन जो है वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते थे, ख़ास तौर पे चाइना मैन को, क्योंकि उन लोग की आदत ये होती है कि वो लोग जो है लेफ्ट लेग जो है वो बाहर निकाल करके क्रॉस ज़्यादा खेलते हैं. तो ये लोग अच्छे टर्नर बॉल हैं, बॉल के अच्छे टर्नर हैं चाहल और कुलदीप. इन्होंने पाकिस्तान को भी काफ़ी मुश्किलात दी थी, हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. तो यहाँ पे मैं समझता हूँ वैसे देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ का बॉलिंग लाइनअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया का मैच देखा जाए तो इंडिया के बॉलर मुश्किलात पैदा करेंगे वेस्ट इंडीज के. विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक लंबी इनिंग्स की तवक्का है, बड़ी एक्सपेक्टेशन है. अगर हम बात करें, हमने बैटिंग और बॉलिंग की बात की, अगर फील्डिंग पे आ जाएं तो आपको कौन सी फील्डिंग साइड ज्यादा स्ट्रांग? सब लोग कहते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड की साइड फील्डिंग में बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रूव किया है इंडिया ने, पाकिस्तान वैसे इंप्रूव नहीं कर सका. वेस्ट इंडीज की फील्डिंग पुअर लगती है, क्या रीजन है? वेस्ट इंडीज हालांकि अगर आप पहले दो डिकेड पहले चल जाएं तो वेस्ट इंडीज की फील्डिंग बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी. क्या रीजन है वेस्ट इंडीज की फील्डिंग पुअर होने? मेरे ख्याल में खिलाड़ी जो है पर्सनल मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की फील्डिंग जो है वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही. वो अप्रोच करते हैं अपनी बैटिंग और बॉलिंग पर, हालांकि तीसरा जो काम होता है वो फील्डिंग का काम होता है, वहीं से आपको जो है बाउंड्रीज की तरफ जाने वाली गेंदों को रोकना है और अच्छे कैचेस लेना है, तो फिर कहीं जा करके आप कंटेन करते हैं दूसरी टीम को और फिर आपके चांसेस निकलते हैं कि आप जीत सकें. लेकिन जिस तरह से इंडिया की टीम ने अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव किया है वो देखने के लायक है, और जिस तरह से बैटिंग में भी वो जा रहे हैं, तो उनके एक बैट्समैन ने कहा था कि पाकिस्तान को बैट्समैन को हम बताएंगे किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, तो वहाँ पे एक सोशल मीडिया का हवाला देता चलूँ. इसी तरह से फिर किसी ने सोशल मीडिया पे ये भी लगाया कि भाई आप हमें बैटिंग करना क्या सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे जहाज कैसे गिराए जाते हैं. जावेद भाई, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि असदुल्ला जो हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चाहिए कि हमसे तरबियत हासिल करें, कोचिंग हमसे लें, जिस पर शुएब अख्तर ने उनसे कहा खुदारा आप जो ना किसी कोई कॉमेडी करें, और खान साहब आपसे उनसे बेहतर कॉमेडियन है. अगर देखा जाए, अगर बात की जाए, खान साहब का नॉलेज और स्किल्स उनसे बहुत ज्यादा है. सर, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, रोहित शर्मा ने इतनी नेगेटिव बात नहीं करी थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने पूछा था कि बैट्समैनों को क्या करना चाहिए पाकिस्तानी बैट्समैनों को, तो रोहित शर्मा ने जवाब में बोला था कि अगर मैं कभी उनका कोच बना तो मैं सिखाऊंगा. बिल्कुल, मीडिया ये थोड़ा आप बताइएगा क्या कहते हैं खान साहब आपको, पाकिस्तान
की टीम की फील्डिंग तो पुअर है, वेस्ट इंडीज और इंडिया की अगर फील्डिंग देखते हैं तो वेस्ट इंडीज की फील्डिंग तो बिल्कुल ही जो है ना बताने काबिल नहीं। जैसा कि आपने कहा कि वेस्ट इंडीज का फील्डिंग जो है वो पुअर है जी, तो उसके लिए वेस्ट इंडीज को जो है मौसी हालात अपना सही करना होगा, वो गुर्बत खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो जरा कुछ उसका मुकाबला कर सकेगा। अच्छा, गुर्बत से फील्डिंग खात्मा करना पड़ेगा, गुर्बत के खात्मे से फील्डिंग बेहतर होगा। वो आपने कहा पुअर है ना वो जी। अच्छा, ये आपने बिल्कुल देखिए लॉजिकल बात की है। ये आप सरफराज भाई बात देखिए कि उन्होंने उस बात का रब जो है वो कैसे मिलाया उसके साथ, यानी पुअर होने का मतलब है जो गुर्बत है उसको खत्म करेंगे तो फील्डिंग बेहतर। इस मुआशरे में अलमिया ये है कि जो गरीब होता है उसी को लोग दबाता है। अच्छा, अभी अब हम वेस्ट इंडीज की तरफ दोबारा आएगा। वेस्ट इंडीज को दो एडवांटेज हासिल है। पहला एडवांटेज ये है कि वो काली आंधी है, ठीक है, जब काले आंधी चलेगा तो इंडिया के खिलाड़ियों को कुछ नजर नहीं आएगा। ये तो सही बात किया, ये हम सही बता रहे हैं। दूसरी बात अभी हम भूल गया। चलो जब याद आए तो मैं आपसे पूछूंगा जी। हम बात कर रहे थे बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की। अगर हम आप बात करते हैं कोचिंग के हवाले से, तो रवि शास्त्री ने जब से टीम को लिया इंडिया को, उनके साथ विराट कोहली के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग सिनर्जी है उनकी। ओटस गिब्सन जो उनके कोच थे वो चले गए, इनके साथ साउथ अफ्रीका की कोचिंग कर रहे हैं। अब मैं जानना ये चाह रहा हूं कि कोचिंग कितनी वैल्यू रखती, क्योंकि आप कोचिंग भी करते रहे, काफी अर्सा कोचिंग भी की और अभी भी आप इन्वॉल्व हैं, तो मुझे बताइए कोचिंग कितनी वैल्यू रखती है टीम के लिए। थैंक यू। पहले मैं जवाब दे दूं फील्डिंग का, जो आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पैरेलल हैं इस वक्त, जो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मिसफील्डिंग हो रही है। 1975 वर्ल्ड कप जो पहला फाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, तो डोमिनेट करने लगा था बैटिंग में एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया, तीन खिलाड़ियों को रन आउट किया विवन रिचर्ड ने, जहां से मैच हार गई थी ऑस्ट्रेलिया। तो ये है फर्क फील्डिंग का कि जहां बॉलर्स से नहीं हो रहा था वहां फील्डिंग में रन आउट उन्होंने किए, तो फील्डिंग तो बहुत अहमियत रखती है। अब आप कोचिंग की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि जब खिलाड़ी बासलाहियत होता है, एक कथा कलामी सर, मुझे 1983 का वर्ल्ड कप का एक सीन याद आ गया आपका, अगर आपको याद हो, विव रिचर्ड जब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए तो उन्होंने इतने चौके लगाए कि इंडिया साफ नजर आ रहा था मैच हार रहा है। फिर कपिल देव ने उन्होंने मिड विकेट पे शॉट खेला और रॉजर बिनी की बॉल पे, और उन्होंने रॉजर बिनी की इस बॉल पे कैच जो पकड़ा और उससे वो मैच का पूरा पांसा पलट गया, उल्टा दौड़े कपिल जी, उल्टा दौड़े, क्लासिक है, क्लासिक है, आज तक याद किया जाता है। तो मैं बात ही कर रहा था कि जहाँ टीम अच्छी, प्लेयर्स अच्छे हों, यंगस्टर जान मारते हों, तो कोच के लिए आसानी हो जाती है। उनके साथ रवि शास्त्री हों और गिब्सन हों या कोई और भी हों, आसानी ये हो जाती है कि प्लेयर सीखने के भी मराहिल से गुजरता है और ख़ुद अपनी जो उसकी क्वालिटी होती है वो उभर के आती हैं। तो ये एक साथ दो चीज़ें, रवि शास्त्री से ज़्यादा मैं टीम के लड़कों को ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ जो आके टीम में खेल रहे हैं और उनके अंदर जितना भी टैलेंट है वो उसको उभार। मैं कि आर्थर का टेन्योर खत्म होने जा रहा है, इंजमाम उल हक का टेन्योर, ग्रैंड फ्लेवर का, अजहर महमूद का, और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है इंजमाम उल हक का, बहुत से खिलाड़ियों का भी टेन्योर खत्म होने वाला लग रहा है। मोहम्मद हफीज का लग रहा है लास्ट वर्ल्ड कप है, शुएब मलिक का भी लास्ट वर्ल्ड कप है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में चेंजेस नजर आएंगे आपको? बिल्कुल चेंजेस, जिस तरीके से मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक बिल्कुल रिटायर होने वाले हैं, यहाँ पे बिल्कुल चेंजेस होनी चाहिए। यहाँ पे आबिद अली और फवाद आलम जैसे बैट्समैन को यहाँ पे चांस मिलना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है फवाद आलम। मुझे नहीं पता क्यों इग्नोर होते रहते हैं बार बार, उन्होंने ज़हीर अब्बास का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा सेंचुरी है, रन बनाने में वो सबसे ज़्यादा मुझे, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात फील्डर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं और दुनिया क्रिकेट की स्टैंडर्ड के मुताबिक वो फील्डिंग करते हैं, यो टेस्ट में भी पास करते हैं। और उसके अलावा मैं कोचेस की आप बात कर रहे हैं, तो कोचेस बिल्कुल आप ही के प्रोग्राम में पहले भी बात हो चुकी है कि कोचेस नेशनल होने चाहिए, पाकिस्तानी कोचेस होने चाहिए, क्योंकि मिकी आर्थर के लिए तो देखें ये एक जॉब की बात है कि वो अपना जॉब पूरा करे। अगर नेशनल कोचेस होंगे तो फिर उसको नेशनल कोचेस को वाकई में उसकी पर्सनल लगाव भी होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान का जितना कितना इंपॉर्टेंट है, वो जब तक जज्बात वही समझ सकता है जो कि नेशनल हो, पाकिस्तानी अपना हो। तो यहाँ पे नेशनल कोचेस मतलब और टैलेंटेड कोचेस भरे पड़े हुए हैं, जावेद मियाँ साहब हैं, यूनुस खान भी अब कोचिंग की फील्ड में आ गई, यूनुस खान साहब बोलते रहते हैं कि मुझे अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 की टीम दें, इंडिया वालों ने ये सीख लिया है, उन्होंने राहुल द्रविड़ को टीम दे दिया अंडर 19 की, तो वो अब अच्छे लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है आपको, ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को जो ना उनको बिल्कुल। वसीम अकरम की एक और एक बात है, वसीम अकरम जिस तरीके से बोलते हैं फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को बहुत जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और PSL भी उसी को खिलाएं जो कि फर्स्ट क्लास खेले। बहुत सारे लड़के होते हैं ठीक है पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं, पर वो डायरेक्ट
PSL खेलते हैं वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं, तो NOC PSL को, PSL की NOC उन्हीं को मिलनी चाहिए, वसीम अकरम साहब भी बोलते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास में खेले और अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल सही कहा वासिक आपने। जावेद भाई बात कर रहे थे हम क्रिकेट में दोनों टीम के हवाले से, बैटिंग की बात की हमने, बॉलिंग की बात की, फील्डिंग की बात की हमने, कोचिंग की बात की, अब आप बात करेंगे हम लोग इन टारगेट की, इस मैच में क्या टारगेट सेट करना चाहिए जिस पे वेस्ट इंडीज डिफेंड कर सके इंडिया के खिलाफ मैच। देखिए टारगेट तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट इंडीज़ को अगर वो पहले बैटिंग करती है रन ज़्यादा करना पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन जो बॉलिंग स्ट्रेंथ खुद वेस्ट इंडीज़ के पास है उसको पूरी तरह से अगर उन्होंने यूटिलाइज कर लिया तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात दरपेश होंगी इंडिया के लिए। तो यहाँ पर उनको टारगेट जो है 300 रन तो आमतौर पर हर टीम के जहन में होता है बॉल टू बॉल अगर जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हट के खेलना पड़ेगा। और जिस तरह से इंग्लैंड ने 300 रन किए थे, टारगेट नहीं दे रहे हैं, मैं इतना तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्रिकेट को आप समझते हैं, सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप में जो रन किए इंग्लैंड ने 398 रन, तो मैं समझता हूँ तकरीबन इतने रन पे 400 रन 350 से 400 के दरमियान अगर रन करेंगे और पहले बैटिंग करेंगे तो फिर इंडिया को मुश्किलात में डाल सकती है वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन अभी पहले बैटिंग तो कोई करेगा, लेकिन यहाँ प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, लेजर लीग वर्ल्ड ग्रुप प्रेजेंट आईसीसी वर्ल्ड कप जुनून, और आज का जुनून है जनाब वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, और ये जुनून जो है पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। पाकिस्तान चाहता यह है कि वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज जब ये मैच जीतेगा तो इंडिया के पॉइंट्स कम होंगे और उसके बाद फायदा यह होगा कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के चांसेस और ब्राइट हो जाएंगे। जावेद भाई आपसे बात कर रहे थे, तमाम डिपार्टमेंट्स की तो बात हमने कर ली, क्रिकेट में हॉकी की बात भी हम करते हैं, फुटबॉल की भी प्रोग्राम से बात होती रहती है, लेकिन अब जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में हमने इस मैच में खासतौर पर तीन चीजों की बात की, बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, और इसके साथ साथ हमने बात की कोचिंग की। अब आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि टारगेट आपने कहा 350 से 400 रन का टारगेट, क्या समझते हैं कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा? देखो आमिर भाई, आप तो पश्तो में बोलना शुरू कर दिया, खान साहब के साथ बैठ करके मुझे भी ऐसा लग रहा है, खान साहब आपने सबको पठान बना दिया, मेरी टोन भी इनके साथ ऐसी हो गई है, और इनको देख करके फिर मुझे अब ये शेर याद आ गया, ऐसा हो गया अच्छा खासा बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। क्या बात है खान साहब, आप ये तुम हो गए हैं, अब आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्या टारगेट, अब खुदारा टारगेट उतना दीजिएगा वेस्ट इंडीज या इंडिया को कि वो उनके लिए बनाना मुमकिन हो सके। वेस्ट इंडीज को चाहिए तकरीबन 1500 रन का टारगेट दे इंडिया को, लाजमी है इंडिया को हल्का नहीं लेना है, 1500 रन का टारगेट बिल्कुल देना पड़ेगा, ये वैसे बन सकता है 1500 रन, अगर क्रिकेट में नामुमकिन नहीं है 1500 रन बन सकते हैं, खान साहब ने थोड़ा टारगेट नीचे किया है, आहिस्ता सा टारगेट 5000 से 3000 और 1500 नहीं, पाकिस्तान के मैच में 1000 पे ले आए थे, फिर वेस्ट इंडीज और इंडिया की मुश्किल के लिए इन्होंने 500 प्लस कर दिया जी। वी टॉक अबाउट टारगेट, यू नो आई एम टॉक अबाउट टारगेट, तो टारगेट क्या सेट करना पड़ेगा इस मैच के लिए, स्पेसिफिकली फॉर दिस मैच? देखिए वेस्ट इंडीज़ की वो टीम है कि उसको टारगेट अचीव करना और टारगेट देना, वेस्ट इंडीज़ कभी भी घबरा के नहीं खेलती, 291 टारगेट था, काफ़ी विकटें गिर गई थी, आखिरी विकेट पे भी वो एग्रेसिव खेलते रहे भरत वाइट्स का, लेकिन 300 प्लस ये वही विकेट है आई थिंक, अगर ये ग्राउंड वही है, ओल्ड ट्रफर्ड मैनचेस्टर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, 300 प्लस मेरा ख्याल है अगर करेंगे तो इनकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ है इतना जी, फील्डिंग प्रॉब्लम कर रही है वेस्ट इंडीज़ की, बॉलिंग स्ट्रेंथ पे 300 प्लस रन करके रोक सकते हैं इंडिया को, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इंडिया की टीम जो खेल रही है, जो उनका मॉरल हाई है, उनके लिए कोई टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन डे टू डे होता है, दिल भी कहता है कि वेस्ट इंडीज से इंडिया जीत जाए, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया बेटर टीम है। अच्छा, विल टॉस प्ले एन इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन दिस मैच? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड ट्रफर्ड मैनचेस्टर ऐसा है कि कभी कभी मॉइस्चर होता है विकेट के अंदर, और उस मॉइस्चर में अगर वेस्ट इंडीज टॉस जीतती है और बैटिंग कराती है तो वो एक दफ़ा पाकिस्तान का हाल बुरा कर चुके हैं, 105 पे आउट कर चुके हैं, पेसर्स अच्छे हैं उनके, ओवरकास्ट कंडीशन बड़ी काउंट करेंगे, टॉस भी वाइटल एंड वैल्यू रखेगा, क्या समझते हैं वासिक? टारगेट की भी हमने बात की, अभी वेस्ट इंडीज की जो टीम है
वो एग्रेसिव क्रिकेट अगर खेली तो इंडिया के लिए काफी मुश्किल पैदा करेगी। बिल्कुल एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलते आए हैं और खेलते रहते हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल खुल करके खेलते हैं। यहाँ पे क्रिस गेल को चाहिए कि अब अपना आखिरी जो वर्ल्ड कप के मैचेस जो बचे हुए हैं उनको यादगार बनाएं। वैसे क्रिस गेल का रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बचाने के लिए इंडिया के खिलाफ खातर खां परफॉर्मेंस नहीं करते तो यहाँ पे बिल्कुल पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी क्रिस गेल को और अच्छी दिलेरी। आप समझते हैं कि क्रिस गेल की और क्रिकेट बाकी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि लड़के और अच्छे हैं वेस्ट इंडीज के पास, इनके पास टैलेंट है जो, तो मैं तो समझता हूँ उनकी लीग क्रिकेट भी खत्म होने वाली है, साल दो साल बाद वो इतने फिट नहीं रहेंगे कि लीग क्रिकेट भी खेल सकें। बिल्कुल, वो काफ़ी इंजर्ड वगैरह भी रहते हैं, टीम से बाहर भी रहते हैं और काफ़ी उन्होंने नाम बना लिया। मेरा ख्याल है कि यही टाइम है कि उनको क्रिकेट से खैराबाद कह देना चाहिए और बिल्कुल इंडिया के साथ खेलें, एग्रेसिव खेलें, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो मतलब जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो काफ़ी सेंसिबल हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी 300 से कम का टारगेट मिलेगा तो फिर वो उनके बैट्समैन चेस कर सकते हैं, लेकिन वही अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेले तो फिर वेस्ट इंडीज़ का आपको पता है पिछले वर्ल्ड कप में भी 400 रन किए थे, इस वर्ल्ड कप के भी वार्म अप मैच में जो है 421 रन के किए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेले तो ये 400 के करीब करीब रन बना सकते हैं, 383 90। खान साहब के यहाँ बैठने से एक बेनिफिट हुआ है कि टारगेट्स बड़े ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, 400-500 के करीब हमारे एनालिस्ट टारगेट बताते हैं। ये बिल्कुल वो वाली बात है ना कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर बॉलर को नहीं खेलते, बॉल को खेलते हैं। सही, तो बिल्कुल उनके जोन में अगर बॉल आती है, मोइन भाई का जुमला है, बिल्कुल मोइन अली साहब का जुमला है, हमेशा वो कहते हैं कि बॉलर्स को ना खेलो बॉल को खेलो। बिल्कुल, बॉलर का नाम होता है ना वसीम अकरम से डर के लोग खेलते थे क्रिकेट, तो उन्होंने बता रहे थे एक वाकया, उन्होंने बताया कि वसीम अकरम के नाम पे पूरी रात जो मेरे साथ जो साथी था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वो नाम लेता रहा वसीम अकरम की बॉल को, मैं ऐसे खेलूंगा ऐसे खेलूंगा ऐसे खेलूंगा। जब बॉल खेलने का वक्त आया तो एक बॉल लगी, वो इंजर्ड होकर नीचे गिर गया, लगी भी नहीं थी, वो छू करके छू के गुजरी थी तो परेशान हो गए। तो ऐसा होता है जावेद भाई। जावेद भाई मुझे बताइएगा कि इस मैच को अगर हम देख रहे हैं तो कौन सी टीम आप समझते हैं मैच प्रेडिक्शन के हवाले से कौन सी टीम आपको मैच जीतते हुए नजर आ रही है? देखिए ऑन परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इंडिया ही बेहतर है और उसकी जीत के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन किसी भी दिन कोई भी टीम कम बैक कर सकती है। डे बाय डे होता है, जिस तरह से सरप्राइज ऑन डे परफॉर्मेंस है, जो उस दिन अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएगी वो टीम जो है वो मैच ले जाएगी। लेकिन जैसे अभी क्रिस गेल के बारे में उन्होंने बात की, आपने मुझसे पहले भी क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा था कि वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे, उसकी वजह वासिक भाई ने बता दी कि वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर वो सिंसियर होकर के खेल लिए अपनी टीम के लिए तो फिर क्रिस गेल को बीट करना इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर क्रिस गेल अकेले ही मैच ले जाएंगे और फिर इंडिया देखती रह जाएगी। सही। और खान साहब आप अकेले क्या लेके जाने वाले हैं? हम तो जज्बा और जुनून लेकर जाएगा। क्या प्यारी बात की आपने खान साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज मिल सकती है, जज्बा जुनून नहीं मिल सकता। बिल्कुल, जोश और जज्बा जुनून होगा तो हर मैदान में जीतेगा कोई सा भी मैदान। अच्छा आप ये बताएं खान साहब अपनी लॉजिक से, जज्बा जुनून हासिल करने के लिए क्या चीज चाहिए? ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज है। अच्छा हाँ, और दूसरा ये कि ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से भी कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और रंग फ्रांस में मशहूर है। सही, फ्रांस में तो हिटलर भी मशहूर है। बिल्कुल, हिटलर तो वॉर करता है, जर्मनी से फ्रांस से वो आ गया था वहां पर, वॉर तो शेर भी करता है, शेर की आवाज चंचन होती है, चंचन मधुवाली के बहन का नाम है। तो खान साहब बाद में बातें करेंगे, आपकी बातें तो फिर किसी और तरफ ही चली गई, मैच की बात करते हैं। सरफराज साहब हम बात ये कर रहे हैं कि मैच प्रेडिक्शन आपकी एंड पे वन लाइनर क्या हो सकता है? Who's gonna win this match? Simple India, लेकिन एक चीज ऐड कर दूं इस वन लाइनर में कि वेस्ट इंडीज कुछ भी कर सकता है। वेस्ट इंडीज कैन डू एनीथिंग, कोई भी एक्सपेक्टेशन आप वैसे, तो वेस्ट इंडीज इज अनप्रेडिक्टेबल साइड इस वक्त, तो अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि जीता हुआ मैच हार गए, उससे पहले पाकिस्तान को जिस तरह शिकस्त दी थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। इंडिया के लिए आसान मैच है ये, मैं ये समझता हूँ, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। वासिक नथिंग टू लूज फॉर वेस्ट इंडीज, यू नो अगर वेस्ट इंडीज यहाँ से मैच हारता भी है, वैसे वर्ल्ड कप की दौड़ से तो बाहर हो चुके हैं तो उनके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया के लिए मैच जितना बहुत वैल्यू रखता है, आपकी मैच प्रेडिक्शन क्या है? बिल्कुल, अगर बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेल करके बहुत ज़्यादा टोटल भी दे देते हैं अगर वेस्ट इंडीज वाले, तो इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो कि इसको, क्योंकि इंडिया वाले बिल्कुल सेंसिबल खेलते हैं, पैनिक नहीं होंगे और धोनी के एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने सीखा है, मैच्योर हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ये मैच आराम से जीत जाएगा। You think India? Same with Sarfaraz bhai. Javed bhai, you have a different opinion or you have the same opinion? जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कमबैक किया और वो सिर्फ 5 रन से मैच हारे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जहन में ये बात होगी कि जब न्यूजीलैंड जैसी टीम को जो है उन्होंने शिकस्त के करीब ले आए थे वो,
तो आज इंडिया जो है वो इस चीज़ को जहन में रखेगा कि हमें भी उसी हिसाब से खेलना है, वेस्ट इंडीज़ को उसी एरा में लेना है कि जिस तरह से पहले उनकी टीम हुआ करती थी, किसी भी वक्त कमबैक करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडिया की टीम पर रहेगा, क्योंकि वो चाहेंगे ये कि अनबीटेबल रहें, कोई भी मैच ना आ रहे, लेकिन इसी साइकी में शायद जो है वेस्ट इंडीज़ बाजी ले जाए, और मुझे लगता है कि शायद वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीतेगी। जी जावेद भाई का डिफरेंट ओपिनियन है, खान साहब आपकी मैच प्रेडिक्शन क्या है? हमारा तो सबसे डिफरेंट ओपिनियन होगा, देखो अच्छा जी प्रेडिक्शन होगा वो ये है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज है या पाकिस्तान जो है अनप्रेडिक्टेबल साइड्स है, तो ऐसा नहीं, हम तो ये समझता है कि क्रिकेट गेम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल, क्या अनप्रेडिक्टेबल साइड है, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में आप पैशन गोई नहीं कर सकता, ये ऐसा गेम है। अच्छा वो हम बात मुकम्मल करते, उसका वजह ये है कि जो गेम वेदर पर और मॉइस्चर पर इन पर डिपेंड करता है, तो उसमें आप अपना कारकर्दगी कहां से दिखाएगा? बहुत प्यारी बात की खान साहब आपने, बड़ी ही लॉजिकल बात की है, अपनी कारकर्दगी आपकी उस वक्त वैल्यू नहीं रखती, सलाहियत सारा जाया हो जाता है ना, जो अब अगर मॉइस्चर अच्छा होगा, वेदर ऐसा होगा, तो आपका गेम स्विंग होगा, ये होगा, अब तो भाई पर आपका सलाहियत किधर गया? लेकिन सलाही तो आप फुटबॉल में दिखा सकते हैं, कि जिस तरह लेजेंड लीग में आप फुटबॉल खेल के अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से आप लेजेंड लीग का हिस्सा बन सकते हैं, और आपको मौका मिल सकता है कि आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं, आईएसएफ वर्ल्ड कप जो कि होने जा रहा है ग्रीस में, ग्रीस क्रिएट में, पहला वर्ल्ड कप लिस्बन पुर्तगाल में हुआ, और अब यह दूसरा वर्ल्ड कप हो रहा है क्रीट ग्रीस के अंदर, और इसमें वो बच्चे जो कि जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, उनके ख्वाबों को सच्चा किया है महमूद ट्रंकवाला साहब ने, अनस ट्रंकवाला ने, और इसके साथ साथ शाहजेब ट्रंकवाला और मुनीर ट्रंकवाला साहब ने, इनकी ख्वाहिश ये है कि ऐसे बच्चे जो पाकिस्तान में जिन्हें मौका नहीं मिलता वो फुटबॉल खेलने के लिए लेजेंड लीग में अपने आप को इनरोल करें, परफॉर्म करें, इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलें, और जीतने वाली टीम जो है उनको लेजेंड लीग वर्ल्ड ग्रुप लेके जाएगा आईएसएफ वर्ल्ड कप खिलाने के लिए। अच्छा आमिर भाई एक बात और करेगा, क्या फुटबॉल के मैचेस में भी ऐसा होता है वेदर वगैरह? जी वेदर कंडीशन उसमें काउंट नहीं करती, उसमें परफॉर्मेंस काउंट करती है, लेकिन फुटबॉल बाय पावर है, क्रिकेट बाय चांस है। आमिर भाई खान साहब की बात से मुझे ये लगता है ये चाहते हैं कि क्रिकेट का जो मैच है वो ग्राउंड में नहीं स्टूडियो में हो जाए, तो फिर ये परफॉर्मेंस सब दिखाएंगे। हाँ ये खान साहब अगर स्टूडियो में मैच हो तो शायद परफॉर्मेंस ज्यादा काउंट करेगी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपकी तशरीफ आवरी का, थैंक यू वासिक, थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू पीएसएल खान साहब, आपने अपने व्यूज से हमें आगाह भी किया और ये भी बताया कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। हमने क्रिकेट के हवाले से बात की और क्रिकेट में हमने बात की आज के मैच की, आज के जुनूनी टाकरे की, मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज था, उस बैटिंग की बहुत बात की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, और उसके अलावा कोचिंग की, और उसके साथ साथ टॉस कितना वाइटल वैल्यू रखेगा, उसके अलावा हमने ये बात की कि क्या टारगेट सेट करना चाहिए। अब देखना यह है कि ये मैच कौन जीतता है, कोई भी मैच जीतेगा पाकिस्तान की ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं हमेशा आखिर में एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान से मत खेलो। आमिर खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।